कोरोना संक्रमण के चलते निजी स्कूलों पर सरकार के प्रतिबंध के मद्देनजर ग्वालियर में 1300 स्कूलों के संचालकों ने अपनी चाबियां जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। उनका कहना है कि जब सरकार ने रात 10 बजे तक व्यापारी संस्थान खोलने की अनुमति दे दी है तो होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और मॉल भी खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ निजी स्कूलों को प्रतिबंध के दायरे में रखकर सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है। निजी स्कूलों के संचालक बड़ी संख्या में सिरोल स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। मैं कौशलेंद्र सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। हमारे एसोसिएशन के द्वारा पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाया जा रहा है। सरकार को जागृत करने का हम लोग अपने आंदोलन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में सरकारों ने विद्यालयों को, संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने के लिए गाइडलाइन तय कर दी है, दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी भी सोई हुई है और हमारी सरकार जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आप मॉल खोलते जा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि आपके रेस्टोरेंट खोल दिए, आपने सिनेमा घर खोल दिए, तो मतलब सिनेमा घर ज्यादा जरूरी है या शिक्षा का मंदिर खोलना ज्यादा जरूरी है, समस्या परे है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम शासन और सरकार इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे।